Hello everyone, behave question is if cos of x into dy by dx minus y sin x equal to 6x, where 0 is less than x is less than x y 2, and y of pi by 3 equal to y of pi by 3 equal to 0, then y of pi by 6 is equal to, हम यहाँ पे क्या इसकी value find out करना है, तो इस question हम यहाँ पे एक differential equation दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस differential equation को write down करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यह जाएगा cos of हो जाएगा x into आ जाएगा यहाँ से क्या dy by हो जाएगा dx minus में हो जाएगा यहाँ से क्या y into हो जाएगा क्या sin x equal to हो जाएगा यहाँ से क्या 6x आ जाएगा तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं both side divide by क्या cos x कर देंगे cos x करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा dy हो जाएगा divide by आ जाएगा dx minus में हो जाएगा यहाँ से क्या y into tan x हो जाएगा equal to हो जाएगा यहाँ से क्या 6x into में हो जाएगा यहाँ से क्या sec x हो जाएगा क्यों कि अपन में क्या आएगा cos x आएगा तो अपन cos क्या होता है sec होता है तो यहां sec x आ जाएगा फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि अगर ये क्या एक स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रहे तो बाय द डिफरेंस बाय द अकॉर्डिंग टू क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इसको हो जाएगा dy हो जाए अपन हो जाएगा dx और प्लस में हो जाएगा यहां से क्या py हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से q हो जाएगा तो p की वैल्यू हम यहां पे क्या हो जाएगी p इक्वल टू हो जाएगा यहां से क्या माइनस में tan x आ जाएगा और क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 6x इनटू में हो जाएगा यहाँ से क्या sec x हो जाएगा ये हमें यहाँ से pq फाइंड आउट हो गया तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ से इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे ठीक इसका नेक्स्ट स्टेप यही होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा pdx हो जाएगा pdx हो जाएगा तो यहाँ से जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा क्या यहाँ से माइनस में हो जाएगा क्या tan x dx हो जाएगा माइनस साइन बाहर हो जाएगा और हमें इसका tan x का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है tan x dx इक्वल टू होता है यहां से क्या माइनस में होता है log ऑफ cos x dx cos x प्लस कांस्टेंट सी होता है या ln कहेंगे और एक होता है यहां से क्या log ऑफ होता है यहां से क्या sec x होता है प्लस कांस्टेंट सी तो हम यहां पे माइनस साइन इसलिए इसको ले लेते हैं तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा तो जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां से क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ हो जाएगा यहां से क्या ln हो जाएगा क्या cos x हो जाएगा ये वाला माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ln ऑफ हो जाएगा cos x हो जाएगा तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्या log तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ हो जाएगा x इंटू हो जाएगा पावर में हो जाएगा यहाँ से ln ऑफ हो जाएगा क्या e आ जाएगा और ln की वैल्यू क्या होती है यहाँ से cos ऑफ x होता है अगर हम इसके स्थान पे वैल्यू पुट करते तब भी फाइनल सिंप्लीफाई करते तो हमें cos x ही फाइंड आउट होता है तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन राइट डाउन करेंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा y इंटू हो जाएगा दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या क्यूब हो जाएगा क्यूब इंटू हो जाएगा यहाँ से क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू हो जाएगा डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी तो ये हो जाएगा y इंटू हो जाएगा यहाँ से क्या cos x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा हो जाएगा क्या टू एक्स हो जाएगा सॉरी 6x 6x इंटू में हो जाएगा यहाँ से क्या sec x हो जाएगा इंटू में आ जाएगा यहाँ से क्या cos ऑफ हो जाएगा x dx प्लस कॉन्स्टेंट c तो यहाँ से ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपान cos क्या होता है sin 1 अपान cos क्या sec होता है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको जब सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा y इंटू आ जाएगा यहाँ से क्या cos x हो जाएगा y इंटू cos x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या 6x dx हो जाएगा प्लस में क्या कॉन्स्टेंट c तो हो जाएगा यहाँ से क्या 6 हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करें इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा 2 प्लस में क्या कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा तो यहाँ से वाई इंटू में क्या आ जाएगी क्या कॉस ऑफ हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक तो यहाँ तक इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिए लेकिन क्वेश्चन हमें क्या दिया वाई ऑफ जीरो की वैल्यू वाई ऑफ पाई बाई थ्री कितना दिया है जीरो दिया हुआ है ठीक तो जब जीरो दिया है तो इसको मैं यहाँ पे फाइनल सॉल्व करूँ क्या हो जाएगा वाई ऑफ हो जाएगा एक्स इंटू में आ जाएगा यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या 3x स्क्वायर प्लस में क्या कॉन्स्टेंट सी तो हम यहाँ पे क्या एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री जब पुट करेंगे तो वाई ऑफ पाई बाई थ्री हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है तो जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या पाई बाई थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ से क्या कॉस ऑफ क्या पाई बाई थ्री हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा पाई स्क्वायर वाई हो जाएगा 9 प्लस में क्या कॉन्स्टेंट सी तो ये तो जीरो हो जाएगा
और हमें यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या पाई स्क्वायर वाई क्या थ्री आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ से जब सी फाइंड आउट हो गया तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई ऑफ हो जाएगा एक्स इंटू हो जाएगा यहाँ से कॉस ऑफ हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या पाई स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा यहाँ से थ्री हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने क्या बोला, बाई ऑफ पाई बाई सिक्स पूछा, मतलब हमें यहाँ पे क्या पुट करना है एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या पाई बाई सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी कॉस ऑफ हो जाएगा पाई बाई सिक्स, और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से थ्री इंटू हो जाएगा क्या पाई स्क्वायर वाई आ जाएगा यहाँ से क्या थर्टी सिक्स हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर वाई थ्री। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा क्या पाई वाई हो जाएगा सिक्स इंटू कॉस पाई बाई सिक्स मतलब कॉस थर्टी डिग्री, कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट में क्या थ्री वाई टू होता है, और ये सॉल्व करें तो यहाँ से ट्वेल्व टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान में हो जाएगा ट्वेल्व, माइनस में हो जाएगा क्या पाई स्क्वायर अपान में क्या थ्री हो जाएगा। तो पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, आ जाएगा क्या रूट में हो जाएगा क्या थ्री वाई हो जाएगा टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पाई स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या थ्री पाई स्क्वायर वाई क्या यहाँ से ट्वेल्व आ जाएगा। तो यहाँ से फोर टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से टू टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो फाइनल क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या पाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ से क्या रूट थ्री आ जाएगा, सॉरी टू रूट थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान में क्या टू रूट थ्री हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपान माइनस टू, मतलब कि ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सर हमें यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, तो उसको हमने सबसे पहले क्या किया सिंप्लीफाई किया, जब सिंप्लीफाई किया तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन गई, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बनी तो हम उसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंपेयर किए हम यहाँ पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फिर इसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना था, हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसका कंप्लीट सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखा, कंप्लीट सोल्यूशन में फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यू सभी यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया ये आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या जीरो होती है, तो हमें इसमें एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री पुट कर दिए। तो जब इसको हमने यहाँ पे पुट किया तो हमें यहाँ सी की वैल्यू क्या आ गई पाई स्क्वायर वाई क्या थ्री हो गया। तो वाई ऑफ एक्स हम इसको जब यहाँ सिंप्लीफाई किया तो हमें यहाँ पे ये आ गया फाइनल, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए वाई ऑफ पाई बाई सिक्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स पुट कर दिया। तो यहाँ से ये वैल्यू इसकी इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गई, तो हमें यहाँ फाइनल क्या मिल गया माइनस में हो गया पाई स्क्वायर अपान में क्या टू रूट थ्री हो गया।